मेरी माँ जो है बहुत ज़्यादा तेल लगा दी थी हमारे बालों में, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा हमारे बाल प्यारे थे, तो बहुत ज़्यादा तेल लगाती थी खोपरे का क्या भांग भी रखी है क्या? और जो हमारे बॉडी पे है बहुत सारा तेल रब किया जाता था, बहुत सारा खाना खिलाया जाता है। तो मैंने पता कि बच्चे एक बार बाहर चले गए ये तो बाहर वापस आएंगे निशान का, तो हम खूब मस्ती करते थे 6 बजे तक 7 बजे तक, जब तक उजाला रहता था तब तक हम मस्ती करते थे, घर आते थे खाना खाते थे और सो जाते, ये हमारी होली होती थी। अब जो होली होती है वो तो भैया इतने धमाकेदार वाली होती है, मतलब कि खुश नहीं रहता। आप बताइए। मुझे तो जितना याद है अपने छोटे भाई के साथ सुबह आँख खुलते ही पिचकारी भरना, गुब्बारे भरना पानी के, और घर से बाहर जाना लोगों को मारने के लिए, वो चीज़ 2-3 मिनट चलती थी। फिर जो भी कजिन्स और बड़े दोस्त होते थे वो सब हम दोनों को उठाकर लेके जाके नाली में घिसते थे, गोबर लगाते थे, मिट्टी में रगड़ते थे, तो हमारी होली बहुत ही गंदी और बहुत ही खूबसूरत, हम दोनों बच्चे बन के आते थे घर पे वापस तो रोते रोते आते थे, कहीं चोट लगी होती थी, कभी कभी मम्मी भैया ने मारा। तो हमारी होली काफ़ी उस तरह से, थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो भांग शुरू हो गई, तो फिर हम यही चीज़ हमने कंटिन्यू की, तो जो छोटा बच्चा मिले पीछे से गर्दन पकड़ के उठाओ और नाली में डाल दो। तो मेरी होली काफ़ी ऐसी होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के सारे दर्शकों को वेरी वेरी हैप्पी होली। होली है, रंगों से खेलिए, भांग पीजिए, मस्ती, बहुत सारे गाने सुनिए और खूब धमाल कीजिए। बिल्कुल वही। आप सबको हैप्पी होली। वेरी हैप्पी होली।